कोरोना काल में जहां अर्थव्यवस्था की दुर्गति हुई है, वहीं छात्रों के साथ भी कुछ अजीब हो रहा है। कभी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। अब स्कूली छात्राओं की बात लें, छात्र छात्राओं की, तो उनके फीस का जो है पंगा पड़ा हुआ है और यहां तक कि मामला जो है कोर्ट में भी है। हमारे साथ इस समय इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह हैं। उनसे जानेंगे कि छात्रों के इन मुद्दों पर जो है उनके संगठन का क्या स्टैंड है और वे क्या करने जा रहे हैं। दिग्विजय जी, ये बताएं कि जिस तरह से छात्रों की परीक्षाओं की बात है कोरोना को लेकर, खासकर क्योंकि जो दूसरी क्लासेस हैं, ये प्लस वन की थी या फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, वो प्रमोट कर दिया है, लेकिन प्रीवियस जो क्लासेस हैं, फाइनल ईयर की क्लासेस हैं, उनके लिए एग्ज़ाम होने हैं नहीं होने, अभी भी अदर की स्थिति बनी है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पीछे जो हमने पत्र लिखा था, महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से उस पत्र को आगे भेज दिया गया था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत पंजाब यूनिवर्सिटी और हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों ने लगभग ये मन बना लिया था। उसके बाद एक UGC की गाइडलाइंस आई जिसमें थोड़ा संशय क्रिएट हुआ। आज मैं बड़ी स्पष्टता से कहता हूँ कि किसी भी कीमत पर ये एग्जामिनेशन नहीं होने चाहिए। जब हमें एक तरफ सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA की गाइडलाइंस जारी होकर ये कह रहे हैं कि हमें बिना ज़रूरत पड़ने के बाहर नहीं जाना है, एहतियात बरतनी है, और इतना ज़्यादा आज देश के अंदर इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे काल में हम अपने भाई और अपनी बहनों को इसमें नहीं झोंक सकते। तो इसलिए मैं बड़ी स्पष्टता से इसको फिर से कहूँगा, एग्जामिनेशन नहीं होने चाहिए। और मैंने HRD मिनिस्टर से इसके लिए समय मांगा है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी समय मिलेगा और हम उनसे जा करके बातचीत। देखिए, ये जो आपके समय जो है अन्य संगठन भी उठाते हैं और सरकार ने, क्योंकि जो कभी कई तय भी हुआ था इन प्रिंसिपल के एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन जैसे आपने बताया कि UGC के बाद में गाइडलाइन आई, एक हम मान लें कि फिर भी बात नहीं बनती है, तो उसके HRD मिनिस्टर को मिलने के अलावा आपका जो है फिर क्या कदम होगा? नहीं, ये तो तय है कि किसी भी कीमत पर अगर एग्जाम होंगे तो ये बड़ा खतरा युवा पीढ़ी के लिए मंडराएगा। हमें निश्चित तौर पर सरकार के अंदर रह करके भी कई बार ऐसा होता है कि आपको संघर्ष करना पड़ता है, हम संघर्ष करेंगे। युवा पीढ़ी के लिए हमें कोई कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम उसे पीछे नहीं हटते। हम युवा के लड़ते आए हैं, उनकी शिक्षा के लड़ते आए हैं, शिक्षा के प्रोत्साहन के लड़ते आए हैं, मगर आज हालात ऐसे हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना ऑनलाइन स्तर पर तो उसकी तैयारी नहीं है और प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है या वो सेफ नहीं। दिग्विजय जी, दूसरा मुद्दा आ रहा है स्कूली छात्र छात्राओं का जी, जिनकी फीस का आपने, प्राइवेट स्कूलों का खासकर, वो आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल फीस मांगते हैं, ये एक अधर में मामला है सारा, इसको लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? हम स्पष्ट तौर पर चुनाव में ये हमारा वादा भी था और मैं आज भी कह रहा हूँ कि दिल्ली की तर्ज पर स्कूलों की फीस कैपिंग होनी चाहिए। एक लिमिट से ज़्यादा स्कूलों में जो फीस की वसूली है वो लूट है, और उसको लूट की कैटेगरी में शामिल करकर तो उनको दंडित करना चाहिए। शिक्षा जो है वो एजुकेशन इज़ द राइट फॉर ऑल, ये कोई कॉरपोरेट दुकान नहीं है जिसमें आप एजुकेशन बेच सकें। एजुकेशन अगर कोई बेचता है तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा पाप कर रहा है। एजुकेशन सबका हक है और एजुकेशन देने वाला दानी हो सकता है, बेच नहीं सकता। ये कि इस समय जो चल रहा है इंसो की, क्योंकि स्थापना दिवस भी है और युवाओं के लिए आपने बहुत यूनिट्स जो हैं ब्लड भी डोनेट करवाया है, तो ये क्योंकि इस समय की मांग भी थी, ये बताएं कि ये मुहिम जो है अब आपका इवेंट रहेगा, कैलेंडर इवेंट रहेगा? हम तो सदैव ही करते आए। डॉक्टर अजय सिंह जी ने सबसे पहले बेटी बचाओ का नारा दिया, जो कि अब सरकारों ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के साथ जोड़ लिया। डॉक्टर अजय सिंह जी ने सबसे पहले ब्लड कैंप्स पॉलिटिक्स में लगवाए, अब वो सभी लगाते हैं, अब भी लग रहे हैं। पौधारोपण का जो सिलसिला है वो उनने शुरू किया, आज हर व्यक्ति कर रहा है। राजनीति में सोशल मैसेज और ये सामाजिक सरोकारों को जोड़ने वाले डॉक्टर अजय सिंह जी की एक मुहिम सदैव के लिए जारी रहेगी। जब तक इंसो रहेगी तब तक इंसो इस रास्ते पे आगे बढ़ती रहेगी। जैसा आपने कहा कि कल हमने 5,000 यूनिट ब्लड डोनेट किए, 15,000 पौधारोपण किए, इसी हिसाब से हम आज सैनिटाइज कर रहे हैं गाँव में जाकर के, और कॉलोनियों में जाकर, शहरों में जाकर, गंदी नालियों में जाकर जो है सैनिटाइज उसको कर रहे हैं, और उसके साथ 1,00,000 के लगभग मास्क जो हमने NGOs के साथ मिलकर के बनवाए थे उनको वितरित कर रहे हैं, और शाम को एक सोशल मैसेज 5 बजे फेसबुक पर डॉक्टर अजय सिंह जी देने वाले हैं कि कैसे हमें जागरूक करना है। ये हमारा प्राइम मोटो है कि
ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने से पहले ये सामाजिक संगठन। ये कहें कि अभी शिक्षा नीति में परिवर्तन आया है और क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं छात्र संगठन के, तो इस जो शिक्षा नीति आई है उसको किस तरह से, इसको भी पूरा स्टडी किया जाना बाकी है। और मैं ये मानता हूँ कि जो सरकार ने फैसले लिए होंगे वो युवा पीढ़ी के भविष्य को सोच समझ करके लिए होंगे, उसको स्टडी करने के बाद ही मैं इस पर कमेंट करूँ। जी दिग्विजय जी, आप राजनीतिक परिवार से हैं, आप हमारे साथ हों, राजनीतिक बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता जी। आप क्योंकि चुनाव लड़ भी चुके हैं और बड़ौदा का उपचुनाव सिर है, सीधे तौर पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैं स्पष्टता से, और डॉक्टर साहब भी स्पष्टता से इस बात को कह चुके हैं कि मैं उस सीट पर चुनाव ले रही हूँ। जींद का बाई इलेक्शन अलग हालातों में लड़ा गया था, पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी और पार्टी को ताकत से पहला प्रदर्शन करना था। अब जो है हम जो है मजबूत फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ चुके हैं। आज जो हालात है, बड़ौदा के 4.5 साल की सीट वो अभी MLA की खाली बाकी है जी। और बड़ौदा को एक ऐसा नेता चाहिए जो 4.5 साल उनकी सेवा नहीं बल्कि आने वाले लंबे समय तक उनकी सेवा करें, उस हल्के का वासी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि दोनों पार्टियां मिलकर के गठबंधन का मजबूत कैंडिडेट वहां पर देगी, वो कैंडिडेट देगी जो कैंडिडेट उनकी सेवा में सदैव तत्पर है। आप इनकार कर रहे हैं लेकिन INLD जो है वो आपको आमंत्रण दे रही है कि चुनाव लड़े? उनका आमंत्रण मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखता। जो आपको कहता है कि बाहर धकेलने वाला होता है वो आपको उसका दोबारा आमंत्रण जो है वो स्वीकार हम नहीं करते। और उनके 3,000 वोट आए थे पिछली बार, मेरे हिसाब से 33,000 वोट वालों की चिंता उन्हें नहीं होनी चाहिए, 3,000 वोट वालों उनको अपनी चिंता होनी चाहिए कि वो अपने संगठन का विस्तार और उसकी मजबूती कैसे करें। उनको तो सपनों में भी हम नज़र आते हैं, जब निकाला था ये कहकर के निकाला था कि इनके पल्ले कुछ नहीं, हमारे को 19% वोट आए और उनको कुछ दशमलव वोट आए। अब कितनी बार इस बात का हमें जवाब देना पड़ेगा ये तो जो है ना ऊपर वाला जानता है, मगर क्योंकि आपने पूछा है तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। चलो आप इसे छोड़िए, ये बताएं कि जो ये उपचुनाव होगा ये गठबंधन में आप हैं, किस के हिस्से जो है सीट आने वाली है? दोनों के हिस्से हैं, किसका कैंडिडेट होगा और किसका सिंबल होगा ये भविष्य के गत में है। हमारे 33,000 वोट थे, उनके 37 थे, 1 और 1 11 की जोड़ी। तो हमारी डिमांड तो रहेगी कि हमारे सिंबल पे लड़ा जाए, जनता के सिंबल पे। डिमांड किस पार्टी की नहीं रहती, मगर हमने कहा कि मिला जुला होगा, गठबंधन का होगा, वो क्या इक्वेशन में होगी भविष्य के गत में। उससे ये बताएं क्योंकि आप दोनों भाई जिस समय संघर्ष में आए, आप इस समय पार्टी में हैं, भलाई छात्र का संगठन चला रहे हैं, छात्रों का अहिंसा चला रहे हैं, लेकिन आपको कैसा लगता है जब दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में, उन्हें टारगेट किया जाता है, उनके महकमों में जैसा कि आप कहते हैं कि वो सफाई करने में लगे हैं लेकिन विपक्षी दल बताते हैं कि घपले हो रहे हैं, आपको कैसा लगता है और दुष्यंत चौटाला की कार्रवाई को आप क्या मानते हैं? देखो, घपले हो रहे हैं या अनियमितताएँ हैं, मैं बड़ी स्पष्टता से कह चुका हूँ, दुष्यंत ने जिस दिन ऑफिस को संभाला था 11 महकमों के साथ, अब 10 हैं, उन 10 के 10 महकमों के अंदर दुष्यंत जी ने खोजबीन शुरू कर दी और जो अनियमितताएं, जो कमियां खामियां थी उनको उजागर करके उस पर कार्रवाई की। ये एक पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव लीडर की क्वालिटी है। दुष्यंत का अल्टीमेट एम ये है कि मैं 6-7 महीनों में इन सारे मामलों को निपटा कर इन पर कार्रवाई करूँ, जिससे अगले 4.5 साल तक किसी अधिकारी की उन महकमों में हिम्मत ना हो सके। मैं तो दूसरे मंत्रियों से भी गुजारिश करूंगा जो इस सरकार में शामिल हैं या कहीं किसी भी सरकार में शामिल हैं कि दुष्यंत जी आज की इस स्वच्छ राजनीति में, भविष्य की राजनीति में एक बड़ा आइडल बन चुके और मेरे हिसाब से उनसे इसमें सीखना चाहिए। तो ये नए दौर की राजनीति है? निश्चित तौर पर नए दौर की राजनीति। दुष्यंत जी नहीं चाहते कि कल को 5 साल बाद उन्हें कोई कहे कि मैं आपकी फलां तहसील में गया था मुझे वहां ये दिक्कत हुई, मैं आपके इस PWD में गया था मुझे वहाँ ये दिक्कत हुई, मैं पंचायती राज में गया था मुझे ये दिक्कत हुई। आज जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं वो बड़े स्ट्रीमलाइंड और प्रॉपर फंक्शनिंग पे आगे बढ़ रहे हैं, जो अनियमितताएं कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, मगर बहुत से लोगों के पेट में दर्द ये है कि ये लड़का आज 32 साल की उम्र में अगर मजबूत होकर के उभर गया तो तुम्हारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जैसे एक पार्टी की तो हो गई, वैसे कांग्रेस वालों को भी डर है। एक सेक्शन, मीडिया के एक सेक्शन में लगातार पिछले दिन रिपोर्ट हुआ कि आप दोनों भाइयों में कुछ जो है चल रहा है।
ये मेरे लिए यहाँ अत्यंत हास्यास्पद और अत्यंत दुख की भी जो है ना भाव इससे मुझे मिला। किसी मीडिया के सेक्शन ने तो नहीं, एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चलाने वाले व्यक्ति ने ये लिख दिया कि इंसो के बैनर पर उनकी फ़ोटो नहीं। ये हुआ ऐसे क्योंकि हमारा जो दिल्ली का ऑफिस था, क्योंकि दिल्ली में पहले इसका ऑफिस था इंसो का, वहाँ पर जो फॉर्मेट था वो 2013 का था। वही फॉर्मेट उठाकर जब यहाँ चंडीगढ़ में नया दफ्तर बना तो उनने कॉपी पेस्ट कर करके उसमें नीचे चंडीगढ़ लिख दिया। किसी ने ये सोचा भी नहीं कि कुछ लोग ऐसे भी समाज में हैं और पत्रकारिता में हैं जो पत्रकार होने का दावा करते हैं मगर उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतनी बदनीयति से भी सोच सकते हैं। तो मैंने ये जींद में कहा कि अभी तक तो हम दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य लेकर के चले, मगर ब्लेसिंग इन डिसगाइज, उसकी बुराई में मेरे लिए अच्छाई ये कि मुझे सीख मिली कि हमारे को उससे भी बड़ा सोचना है। हमने कहा कि दुष्यंत को लाल किले तक लेके जाएंगे और उस सोच को लेकर के चलेगा इंसो का हर एक कार्यकर्ता। अब मैंने उनकी वह सबसे बड़ी फोटो लगा दी, इतनी बड़ी फोटो किसी दफ्तर में नहीं होगी, जाके आप देखें। शुक्रिया। तो दिग्विजय ने साफ कर दिया है और घोषणा कर दी है कि वे बड़ौदा का उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, साथ ही उन्होंने जो दोनों भाइयों के मनमुटाव की बात चल रही है उसको भी सिरे से नकारा है और ये कहा है कि पहले उनका लक्ष्य मुख्यमंत्री बनाने तक का था दुष्यंत को, लेकिन अब वे लाल किले तक ले जाने की बात करते हैं और इस बात के लिए उन्होंने जो है मुहिम भी शुरू की है। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।